नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक लाइटहाउस के बारे में बताने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप उग्र समुद्र के बीच में एक छोटी सी चट्टान पर खड़े हैं, जो राक्षसी लहरों और तेज हवाओं से त्रस्त है। डॉट यही जिंदगी जीते हैं वो बहादुर लोग जो इन लाइटहाउस में रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। पहले नंबर पर है साउथ अमेरिका के सबसे निचले कोने पर मौजूद केप हॉर्न लाइटहाउस। यहाँ है ड्रेक पैसेज, जो अपनी खतरनाक लहरों और अनप्रिडिक्टेबल वेदर के लिए बदनाम। अपने आप को यहाँ प्रकाश स्तंभ के रक्षक के रूप में कल्पना करें। हर रोज मौत से खेलना उन राक्षसी लहरों के साथ जो प्रकाश स्तंभ से टकरा रही थी और उसे पूरी तरह निगल जाने की धमकी दे रही थी। डॉट ये लोग समुद्र के अनसंग हीरो हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर जहाजों को खतरनाक रास्तों से निकालते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड का आंसू यानी फास्टनेट रॉक लाइटहाउस की। 1985 में तो हद ही हो गई थी। तूफान इतना भयानक था कि लहरों ने समुद्र तल से 160 फीट ऊपर की खिड़कियों को तोड़ दिया था। सोचो उस वक्त लाइटहाउस कीपर्स पर क्या बीत रही होगी। फास्टनेट रॉक लाइटहाउस सिर्फ एक रोशनी का स्तंभ नहीं है, बल्कि इंसान के साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। अब चलते हैं दुनिया के सबसे छोटे द्वीप पर बने लाइटहाउस, बिशप रॉक लाइटहाउस। यह लाइटहाउस एक अद्वितीय संरचना है, जो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक एडवेंचर। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच नाव की यात्रा करना किसी रोमांच से कम नहीं है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और बीच में एक छोटी सी चट्टान पर खड़ा है ये लाइटहाउस। यह दृश्य किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। कल्पना कीजिए आप अकेले हैं, मीलों तक कोई जमीन नहीं, सिर्फ आप और विशाल समुद्र। यह अनुभव एकांत और शांति का प्रतीक है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। समुद्र की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन बिशप रॉक लाइटहाउस के कीपर्स हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं बिना किसी डर। उनकी मेहनत और समर्पण इस लाइटहाउस को जीवित रखते हैं और इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे लाइटहाउस की, जेदा लाइट, सऊदी अरेबिया। यह लाइटहाउस अपनी ऊंचाई और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। 400 फीट से भी ऊंचा यह लाइटहाउस रेगिस्तान की जलती रेत और लाल सागर की तेज धाराओं के बीच मौजूद है। यह एक अद्वितीय संरचना है जो दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ काम करना आसान नहीं है। यहाँ के कर्मचारी हर दिन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। एक तरफ है तेज धूप और गर्मी और दूसरी तरफ है खतरनाक सागर। यह स्थान एक अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत करता है। हर रोज वे अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, ताकि दूसरों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। उनकी मेहनत और समर्पण सराहनीय। जेदा लाइट सिर्फ एक लाइटहाउस नहीं, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति और लगन का प्रतीक है। यह संरचना हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, सेंट जॉर्ज रीफ लाइटहाउस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द गार्डियन ऑफ द ग्रेवयार्ड। आखिर में बात करते हैं समुद्री कब्रिस्तान के रक्षक की, सेंट जॉर्ज रीफ लाइटहाउस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैलिफोर्निया के तट से दूर स्थित ये लाइटहाउस खतरनाक पानी से घिरा हुआ है, जहां कई जहाज अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इस लाइटहाउस का निर्माण 1892 में हुआ था और तब से यह अनगिनत जाने बचा चुका। यहाँ कई जहाज अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इस क्षेत्र को ग्रेवयार्ड ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को $40,000 से $55,000 सालाना मिलते हैं, लेकिन उनका काम उनकी जान के लिए खतरा बना रहता है। इन कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, लेकिन उनका काम उनकी जान के लिए खतरा बना रहता है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सेंट जॉर्ज रीफ लाइटहाउस उन सभी बहादुर लोगों की याद दिलाता है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करते हैं। यह लाइटहाउस एक प्रतीक है साहस और समर्पण, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करते हैं। यह लाइटहाउस हमें याद दिलाता है कि मानवता की सेवा में कितने लोग अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक लाइटहाउस और उनके पीछे छिपे रोमांचक किस्से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा लाइटहाउस सबसे ज्यादा रोमांचक लग। क्या आप कभी इनमें से किसी लाइटहाउस पर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताना।